हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी आना हियर। गाइस, आज हम निकल रहे हैं दम्बुक फेस्टिवल के लिए, जो कि होता है दम्बुक पे। ऑरेंज वहां का बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो दम्बुक फेस्टिवल चल रहा है अभी एंड ऑब्वियसली दम्बुक ऑरेंज खाने मिलेगा। आई एम सो एक्साइटेड। तो मेरा प्लान नहीं था, मॉम डैड ने मुझे बोला था कि उन लोग प्लान किया है दम्बुक फेस्टिवल जाने के लिए। तो इट्स गोना बी माय फर्स्ट टाइम, आई मीन आवर फर्स्ट टाइम गोइंग टू दम्बुक फेस्टिवल। चलो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए एक्साइटेड? पहली बार जा रहे हैं आप दोनों उस साइड? एक्साइटेड। फर्स्ट टाइम? एक्साइटेड। चलो लेट्स गो। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू सुवनश्री रिवर। हम लोग बचपन में, मतलब जब स्कूल डेज में, ये नदी का किनारे में हम लोगों का सपना होता था पिकनिक खाने का। तो हम लोग वहां से प्लान बना के कभी कभार पिकनिक खाने आते थे। अच्छा। और ये दापरियो होके आता है, दापरियो से होके आता है ये सुवनश्री, जाते जाते ब्रह्मपुत्र में चला जाएगा माजुली साइड। बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। पानी देखो, कलर पानी इतना सुंदर। अभी ये बर्फीला समय में ऐसे ही कलर दिखेगा। दिस इज ओल्डेस्ट ब्रिज ओवर सुवनश्री रिवर टुवर्ड्स पासीघाट। ओके, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पासीघाट। सो हम वही बोल रहे ना। हाँ। ये गाना बज रहा, सुन रहा है तो मोबाइल में ऐसे कर रहा है तो इरिटेट लगता है ना। ऐसे बात नहीं है ना। हम भी अपना मोबाइल है, जगह जगह में हम भी जो अच्छा लगता है उसको स्टेटस में डालते जा रहे हैं, उसको देखना पड़ता है ना। हम लीडर है ना, लीडर लीडर। मेरा बात से चलेगा, ज्यादा लीडर गिरी भी ना। बात खत्म, चल रहा। आप तो मत डालोगे? डालेगा डालेगा। नहीं डालेगा, डाल के ही चोरेगा। थ्री हजार से मूड खराब होने से कुछ भी सुंदर भी नहीं लगता। हम उतर जाएगा ना ऐसा बोलने से? पैदल आओ तो। ऐसे मत बोलो ना, ओ यू मेरा डार्लिंग। सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, आई लव यू। इट्स ओके। ये हो, आई कांट डाइजेस्ट। चलिए चलते हैं। अभी हम आए हैं स्वागत रेसिडेंसी में ब्रंच करने। अच्छी बाबी हेलो करो। हेलो अच्छी। हेलो हेलो करो सब लोग। इतना शर्म करते। हेलो हेलो भाई, हाय करो। हेलो, खाना खा के हो गया। मैंने बोगरी लिया छोटा छोटा, मेरा फेवरेट। जर्नी में बहुत पसंद है मुझे। सब लोग यहाँ में कुछ और मुचूर क्या क्या खरीद रहे हैं, बिकॉज लॉन्ग जर्नी है। आप क्या ले रहे भाभी? मीठा पान। मम्मी क्या लिया आप? आपका पान का नाम बताओ। 120 स्मोक ग्लास। हाय गाइस, व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को द धर्माको के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि मैं एक हफ्ते से यूज कर रही हूँ एंड आई रियली लव इट। बिकॉज क्या होता है, आजकल के बिजी शेड्यूल में हम लोग सिर्फ अपने फेस के केयर करते हैं, बॉडी के केयर करना भूल जाते हैं, बॉडी के स्किन के। एंड आई हैव बीन फेसिंग दिस अ लॉट। मेरा फेस में तो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे एक्ने आते हैं, बट मेरा पीठ में भी आने लगा है एंड समवेयर हियर, लाइक मेरा डैंड्रफ की वजह से ना स्किन पे एक्ने आने लगा है। एंड दिस हैज बीन हेल्पिंग मी अ लॉट, द धर्माको के 1% सैलिसिलिक एसिड का डील एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश जो है। जस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट वन बम्प लेना है और उसमें अच्छे से स्क्रब करना है एंड इट्स बीन हेल्पिंग अ लॉट। हम अक्सर अपना स्किन को केयर करते हैं लेकिन बॉडी को केयर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ ड्राइनेस स्किन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे ब्रांड जो है स्किन के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बट बॉडी के लिए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं। तो इसी के साथ साथ ये 1% सेलिसिलिक बॉडी वॉश, 1% सेलिसिलिक बॉडी सीरम लोशन, बॉडी सीरम भी और लोशन भी दोनों एक ही साथ, सो विच इज हेल्पिंग माई बॉडी स्किन केयर रूटीन सो मच एंड आई रियली लव इट। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करना चाहती हूँ। एंड द धर्माको के बारे में मुझे इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज द धर्माको ने हमेशा प्रॉमिस किया है कि आप जितने भी प्रोडक्ट द धर्माको से ऑर्डर करेंगे, जो लिंक है मैं मेंशन करूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो में, तो आप अगर वो लिंक में प्रेस करके आप द धर्माको के प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो विद एवरी ऑर्डर दे प्रोमिस टू हेल्प एजुकेट ए चाइल्ड अलोंग विद भूमि। तो हर साल द धर्माको प्रोमिस करते हैं, एम करते हैं कि 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री उन लोग हेल्प करते हैं टू एजुकेट। मुझे उनके इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
ऑल्सो गाइज फॉर द बेस्ट रिजल्ट आप लोग एवरी डे यूज कर सकते हो ये दोनों प्रोडक्ट जो है बिकॉज इट इज डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश एंड बॉडी सीरम लोशन तो दोनों को साथ में यूज करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट 1% सेलिसिलिक बॉडी वॉश जो है इट हेल्प्स टू डग आउट द रफनेस जो एक्नी है जो ब्रेकआउट्स है वो निकालने हेल्प करते हैं स्किन से एंड एज वेल आप उसको यूज करने के बाद 1% सेलिसिलिक बॉडी सीरम लोशन को लगाना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट एंड ऑल्सो इट इज सल्फेट फ्री एंड एंटी बैक्टेरियल फ्री विच हेल्प्स मोर टू कॉन्सेंट्रेट बॉडी में प्रॉब्लम्स है उसको ज्यादा हेल्प करते हैं तो जरूर ये लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन अमेजोन नाइका फ्लिपकार्ट द दर्मा को वेबसाइट सब में अवेलेबल है तो लिंक जो है विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो जरूर चेकआउट करना एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड विच इज याम 2022 टू गेट 20% डिस्काउंट तो जरूर ऑर्डर फॉर योर सेल्फ हमारा अरुणाचल एयरपोर्ट होलोंगी एयरपोर्ट का जो अभी टूरिस्ट पॉइंट जैसे बन गया है जो गेट बना है इतना सुंदर वो मैम से मिली हूँ द आर्किटेक्चर आरती मैम सो नाइस टू मीट यू हाँ और अभी हम जो दामबुक फेस्टिवल जा रहे हैं वहाँ पर भी आपने गेट बनाया ना तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी देयर अभी जहाँ पहुँच के देखती हूँ इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू मैम या थैंक यू सो मच ओके या तो अभी हम यहाँ से जाएंगे तो अभी हम यहाँ से जाएंगे वापस ब्रह्मपुत्र नदी तो गाइस देखिए हम एक पॉइंट पे रुके हैं इतना ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है देखिए ठीक 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 यार नहीं मैं कैसे लग रही हूँ पहाड़ कोई ना इधर से ये देखो ये देखो ओ ये आसमान को ना हाँ देखो आसमान के बादल को देखो ना कितना सुंदर है हम लोग को भी दिखाई दे किसी चीज के एकता गाइस फाइनली हम लोग दामबुक पहुंच गए हैं जैसे ही दामबुक के बोर्ड क्रॉस किया तो यहाँ पर बहुत सारे लोकल वेंडर्स आंटी लोगों का दामबुक के ऑरेंज मिले हैं तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे दामबुक के ऑरेंज खाने यहाँ का ऑरेंज जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है इसीलिए ऑरेंज फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा फेमस है दामबुक के ऑरेंज फेस्टिवल ये देखिए दामबुक का ऑरेंज बहुत ही टेस्टी है इसीलिए आया है बहुत दूर से ऑरेंज खाने के लिए हेलो करो हाय ये मीठा है बहुत मीठा है सुना है एक फांसी का कितना है ये 100 रुपीज सीजन कब से शुरू होता है और कब तक होता है ऑरेंज का नवंबर लास्ट से शुरू होता है और फरवरी लास्ट को खत्म फरवरी लास्ट तक खत्म रहता है तो अगर आप लोगों को दामबुक का ऑरेंज ट्राई करना है जैसे भी आना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है यहाँ का ऑरेंज जरूर ट्राई करना दामबुक फेस्टिवल में भी जरूर आना हाय तो गाइस इतना मीठा है ऑरेंज जो है इतना मीठा है इनफैक्ट वी हमारा खुद का फार्म हाउस में ऑरेंज का ऑर्चर्ड है बट देन हम लोगों का मतलब इट्स स्वीट बट उतना स्वीट नहीं है जितना दामबुक का ऑरेंजेस होते हैं एंड अभी मैंने खाया है इतना स्वीट इतना टेस्टी मन करता है खाते ही रहो देखो, ये देखो खा के देखो आपका बगान से भी ज्यादा टेस्टी है मेरा बगान का टेस्ट अलग है और इन लोगों का अलग है और कुल मिला के इन लोगों का रस ज्यादा है अभी जूसी है ना जूसी है और स्वीट है ना सब ये विजिट करना चाहिए सीजन में बहुत ज्यादा सुंदर और लोग इतना प्यारी प्यारी तो वोकल फॉर लोकल और यहाँ में सबके वहाँ से सोल से एक ले रहे हैं वेरी टेस्टी आप लोग जरूर आना टेस्ट करना मैं जर्नी करके तो थक गया फिर भी अभी तो जोश है दामबुक फेस्टिवल थोड़ा सा होने से भी देख के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग आज रोइंग पे स्टे कर रहे हैं और कल हम लोग नामसाई जा रहे हैं एक्चुअली नॉट ऑन फेस्टिवल के लिए सिर्फ नहीं आया है बट हम लोग फेस्टिवल थोड़ा सा अटेंड करके साथ ही साथ हम नामसाई भी जाने के लिए प्लान करके आए मॉम डैड के साथ ये हम लोगों को बहुत ऑरेंज फ्री में दिया जूत जूत बोलते हैं जूत बोलते हैं फोटो खींचने ये वीडियो में आई गया चलो चलो वेलकम टू ऑरेंज फेस्टिवल गोल्ड फ्लो प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर पार्टी ऑन तो गाइस ये देखिए हम पहुंच गए हैं हम अभी खड़े हैं
गांबोक ऑरेंज फेस्टिवल गेट के बाहर पे अभी जो मैम मिली थी हमें, जो हमारा होलंगी एयरपोर्ट का जो गेट बनाए हैं, इसको भी उसी ने बनाया. देखिए कितना ब्यूटीफुल बनाए हैं. इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग हर. इतना टैलेंटेड मैम. एंड मोम डैड यहाँ पर बहुत एक्साइटेड है मैम से मिलके. यहाँ पर गेट के बाहर फोटो क्लिक करनी. देखिए हमेशा सरंगे जैसे कोरिया गए तो उसे सरंगे. ठीक है गाइस, सनसेट. अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं. बस गेट में फोटो क्लिक किया. नाइस ब्यूटीफुल. लोकल वाइन्स जो है रखे हैं आदि. ओके, और एक बोतल का कितना है प्राइस? 200 रुपए. ओके, जरूर ट्राई करना आप लोग. ये क्या है? यमतर लुक्तर. लुक्तर ना 450 रुपीज. ओके नाइस नाइस. हाय हाय. So let's check out other stalls as well. ये देखिए. हाय. ये देखिए. So ये है stalls, कुछ ऐसा है. देखिए बहुत सारे stalls हैं. ओह, ये क्या मीट है? चिकन है ना? चिकन है ना? हाँ, देखिए कैसा रखा है. उदू में रखा है कितना अच्छे से. और ये क्या है? क्या है ये? ये उत्तम. ये जो राइस का जो ग्राइंड करके बनाते उसे वो है ना. हाँ, दिस इज द ट्रेडिशनल. इत बोलता है आदि डायलेक्ट में ना. इत. हाँ ओके. और यहाँ पर कुछ वाइन्स वगैरह हैं. दिस इज वाइन. पुजिन. पुजिन. नाग पुजिन वाइन है ना. राइस बियर. राइस बियर. ओके नाइस. कितना है एक बोतल का? 200. ओके, आई थिंक सबका कमर्शियल सेम है ना प्राइस ना. ओके, यहाँ पर कुछ शूट भी चल रहे थे. हाय गाइस, अभी हमने थोड़ा सा स्टॉल वगैरह एक्सप्लोर किया और अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं. मुझे एक्चुअली ये तो समझ में आया कि दांबोक फेस्टिवल जो है बेसिकली इट्स अ म्यूजिक फेस्टिवल. एंड म्यूजिक फेस्टिवल मींस डज नॉट मीन कि यहाँ का कुछ कल्चरल या यहाँ का जो आर्टिस्ट है वो परफॉर्म करेगा अरुणाचल का. इट्स आई थिंक यहाँ पर ज्यादातर आर्टिस्ट जो है बाहर से बुलाए गए हैं. एंड आई थिंक ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर जो है फॉलो करते हैं. एंड इवन द स्टॉल्स मैंने देखा है वहाँ पर सिर्फ हमारा जो लोकल वाइन होते हैं वही है अपना ट्रेडिशनल. और बाकी तो सारे चीज जो है बहुत ज्यादा कमर्शलाइज, मतलब आई मीन लाइक नॉट लोकल क्विजिन जो है वो सब नहीं मिल रहा है. तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत फेस्टिवल जो है ऐसा अपना जो यहाँ हमारा अरुणाचल का जो कल्चर थोड़ा सा बहुत क्विजिन वगैरह जो है टेस्ट करने मिलेगा. एंड एक्चुअली आई हैव जीरो आइडिया अबाउट व्हाट इज दांबोक फेस्टिवल. सो प्लीज एनलाइटन मी इन द कमेंट सेक्शन क्या है दांबोक फेस्टिवल. एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि अभी तो मैं बस हॉर्नबिल अटेंड करके आई हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है. तो आई ऑल्सो वुड लाइक माई अरुणाचल फेस्टिवल जहाँ पर हम लोग अपना कल्चर ट्रेडिशन क्विजीन जो है अपना शोकास करेगा. आई थिंक दांबोक फेस्टिवल इज मोर ऑफ अ म्यूजिक फेस्टिवल वेयर यू इन्वाइट ऑल द वेस्टर्न म्यूजिक बैंड म्यूजिशियंस इन्वाइट करते हैं और वैसा वेस्टर्नाइज वाला होता है. सो या और बहुत सारे बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं. इट्स अ वेरी फेमस म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ कोर्स आई नो. एंड ऑल्सो ऑरेंज भी बहुत फेमस यहाँ का. सो आई लव द ऑरेंजेस. बट आई थिंक मेरा इन माई पर्सनल व्यू मेरा और मेरा फैमिली का कुछ इसमें इतना कुछ वो नहीं है. सो इंटरेस्ट नहीं है. सो वी आर गोइंग बैक फ्रॉम हियर आफ्टर विजिटिंग सम स्टॉल्स. सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. सिर्फ दांबोक अटेंड करने नहीं आए हम लोग. एक्चुअली थोड़ा सा इस साइड मोम डैड का पहली बार है रोइंग साइड, पसीघाट साइड और नामसाई साइड घूमने का. तो कल हम लोग नामसाई घूमने जा रहे हैं. सो इसलिए थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाऊंगी जो भी हो रहा है. सो या जस्ट अ स्नीक पीक ऑफ एवरीथिंग. बने रहिए व्लॉग में. लेट्स गो. नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स रोइंग विच इज 30 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर. लेट्स गो. तो हाय गाइस, अभी हम रोइंग पहुंच गए हैं. हम मेरे दीदी के घर पे आ गए हैं फ्रॉम माय डैड साइड. तो यहाँ पर हम लोग आज रहने वाले हैं. और हम लोग यहाँ पर मतलब एक्चुअली पूरा दिन भर तो जर्नी किया सुबह से लेके शाम तक, तो इसलिए हम लोग थक गए. तो वी डिसाइडेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम बिकॉज हम अपने दीदी को भी बहुत समय बाद मिल रहे हैं. तो वी आर ऑल गेटिंग टू कैच अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. और यहाँ पर हमारा बैम्बू स्टाइल का किचन बनाया है दीदी का. ये एक्चुअली टेम्प्रेरी क्वार्टर घर है, छोटा सा प्यारा सा. तो उन्होंने एक एक्सटेंड किया है एक बैम्बू हाउस. हम तो जहाँ में भी रहेंगे हमको तो अपना बैम्बू हाउस वाला घर तो चाहिए ही होता है. तो दीदी ने यहाँ पर एक नया सा बैम्बू हाउस घर बनाया है, छोटा सा किचन फायर प्लेस वाला. तो चलिए चलते हैं वहाँ पर. सब लोग डिनर कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दीदी ने क्या क्या प्रिपेयर किया खाना पे. ना दांबोक फेस्टिवल से ज्यादा ना ये मजा आ रहा है क्योंकि फैमिली सब साथ में बैठ के डिनर करे, ऐसे ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. हाय करो. okay. दीदी देखो बच्चा इतना प्यारा, इतना बड़ा है. देखो ओयो, इतना बड़ा कहाँ गया वॉक करने.
ये देखिए दीदी ने क्या क्या प्रिपेयर किया, मैं दिखाती हूँ हमारे लिए डिनर के लिए। यहाँ पर दाल है, यहाँ पर कुछ पत्ता सब्जी का करी है, एंड देन हेयर इतना बड़ा हॉटकेस में देखिए हमारे लिए इतना सारा प्रिपेयर करके रखा है। एंड ये है बॉयल सब्जी, एंड देन यहाँ पर है फिश बॉयल ग्रेवी, एंड यहाँ पर देखिए कितना सारा फिश बॉयल है विद बैम्बू शूट, एंड दिस इज राइस। सो लेट्स गो टू द किचन, किचन साइड जहाँ पर बैम्बू हाउस है, और बैम्बू हाउस वाला किचन है वो देखिए ब्यूटीफुल राइट, कितना अच्छे से मैनेज करके बनाया है छोटा सा स्पेस में बस। स्टिल तो चलिए अंदर चलते हैं, आग जला के सब लोग साथ बैठे हैं। हाय, हेलो, क्या चल रहा है? यहाँ पर देखिए ये बैम्बू हाउस बनाया है आते ने, बैम्बू हाउस वाला किचन बनाया है, और यहाँ पर आग जला के क्या रोस्ट कर रहा है, पोर्क रोस्ट कर रहा है, पोर्क, ये चिक, ये फिश है, फिश ट्रेडिशनल, और यहाँ भी रख दिया देखिए, और स्पेशली मेरा लिए वो पोर्क रख दिया। हम तो ऐसे नहीं खाता है, दारू भी हम नहीं पीता है, लेकिन ब्रांड क्या क्या रख दिया है, देखिए वाइन फेस्टिवल आया है, अभी हम जाने भी दिन नहीं, इतना अच्छा लग रहा है, इधर ही अच्छा लग रहा है ना, जे भी रखा है, मरवा भी रखा है, क्या क्या रखा है, देखिए हमें सभी बाद में जाएगा। Drinking is not good for health. No, I'm not drinking. Just I'm seeing this. What type of? तो ये है बैम्बू का, ये देखिए हमारा बैम्बू, फ्रेश बैम्बू के साथ ना बॉयल, और दिस इज फिश, स्मॉल फिश, छोटा छोटा फिश, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे, बहुत टेस्टी होता है। कैसा है, कहाँ जा रहे आप दोनों? हम आपको चलो बोल रहे हैं, आप नहीं मान रहे, लेकिन मम्मी हम दोनों तो अभी ऑरेंज फेस्टिवल को देखने के लिए जरूरी था, तो हम दोनों जाना ही है, और ऊपर से हमारा फ्रेंड लोग भी पूरा मैसेज कर रहा है एकदम, जरूरी नहीं, हम इंटरेस्ट है, हम जाएंगे, और मम्मी का इंटरेस्ट हमको और दो गुना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इसलिए आपका अच्छी तक हम जाएगा, और भाभी जाएगा, और आपका आपका मम्मी यानी कि मेरा ब्यूटीफुल बीबी, ठीक है आप लोग जाओ एंजॉय करो, हम लोग घर में बैठेगा, कुछ कुछ क्लिप्स लेके आओ ना, वीडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, सो दुम दुम क्लिप लो रे, नहीं बाल हेयर पिन, वीडियो क्लिप्स लेके आओ, लेकिन बाल का क्लिप लेके मत आओ, नशा होके मत आओ, ओके बाय बाय बाय, एंजॉय। तो दोनों कपल्स जा रहे हैं, भाभी और भैया और पापा मम्मी, बाय बाय, ओके, और हम लोग बच्चा पार्टी सब घर में ही बैठेंगे, और मैं वीडियो एडिट करूंगी along with my green tea। तो गाइस ये व्लॉग बस इतना ही, कल का व्लॉग जरूर देखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा फन व्लॉग होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल का व्लॉग जरूर देखना।